ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस हम कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका यूज करेंगे, जिन सभी का लिंक जो आपको सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप सभी से जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस, एक चीज़ और कि गाइस आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो गाइस इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को, तो आप लोग यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों को कभी भी वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा एडिटिंग से रिलेटिव, तो गाइस आप लोग मुझसे वहाँ पे आके इजीली पूछ सकते हो। एंड गाइस, एडिटिंग से रिलेटिव जितने भी अपडेट होते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैं मेंशन करता रहता हूँ, तो गाइस आप लोगों को उनमें से कुछ भी चीज़ें पसंद आए या ना आए तो गाइस आप मेरे को वहाँ पे बोल सकते हो। तो गाइस आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम होगी एडिटिंग से रिलेटेड तो मैं आप लोगों की वहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो जरूर करना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूजर नेम, तो आप लोग मेरे को वहाँ पे एक बार आके चेकआउट जरूर करना। बाकी चले गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया आप सभी को, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो गाइस ये जो आपका बैकग्राउंड हो गया, अब गाइस आप सभी को बताता हूँ आपको मॉडल का पोज कैसे रखना है। तो गाइस ये रहा हमारा मॉडल, तो आपको पोज जो इस टाइप का रखना है, ठीक है। तो बाकी इसमें जो अभी मेरे को इसमें थोड़ी सी शेडो वगैरह ज़्यादा लग रही, तो मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी रेज करना है ना अभी, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे इसका जो है शेडो को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसमें हम थोड़ी सी सैचुरेशन भी इंक्रीज़ कर लेंगे, ताकि जो मतलब कि सैचुरेशन वगैरह है वो भी कलर वगैरह जो है वापस आ जाए इसके, ठीक है। तो सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, डन कर देंगे। अब गाइस इसको जो है इरेज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम ड्रॉ टूल का, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे हम ड्रॉ टूल में, एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद जो है हम ऐसे हम इरेजर पर क्लिक कर लेंगे सिंपली, ठीक है। एंड ऐसे हम फोटो को इरेज करेंगे। तो बाकी अगर आप लोगों को जो मतलब कि अगर इसमें डिटेल में समझना है कि बैकग्राउंड कैसे इरेज कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से इरेज कर लेना। तो बाकी अभी मैं आपको वहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, तो बाकी हम बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ से जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड इसको ओपन करेंगे पिक्सआर्ट में, फिर जाएंगे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे अपने मॉडल को। एंड यहाँ पे मॉडल को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, मॉडल को ऐड करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे मॉडल को ऐड कर देने के बाद जो हमें कुछ स्टेप्स रखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड में, वैसे बैकग्राउंड में जो अभी हमें कुछ चेंजेस भी करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ऐसे रिजल्ट टूल में जाके पहले तो हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट रह गया इरेज करने के लिए, हम उसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये रह गया, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज हो गया। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, ताकि जो मतलब कि इसमें थोड़ा सा हमें ट्रिम लाइट वगैरह ही बनानी है, तो इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंपली चलेंगे इसको लेके इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट वाले में चलते हैं। एंड ऐसे इफेक्ट में जाने के बाद जो आपसे को करना है, आपको हम ब्लैक एंड वाइट लेना है, एंड इसका अमाउंट जो जीरो कर देना है, एंड मर्ज कर देना है, फिर नेगेटिव लेना है, नेगेटिव को मर्ज कर देना है, फिर आपको कलराइज में जाना है। एंड यहाँ से जो इसका कलर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रखना है आपको ऑरेंज टोन, फिर उसके बाद आपको उसको डन कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट रूम में जाएंगे, रिजल्ट में जाने के बाद इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद अब गाइस इसको इन्वर्ट कर लिया हमने, तो अब ब्रश का साइज़ हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसको हम ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेंगे एंड साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। एंड जहाँ जहाँ पे हमें रिम लाइट चाहिए, हम वहाँ पे सिंपली जो मतलब कि जैसे सन का इफेक्ट जो हमारे बैक में पड़ेगा, तो हम बैक साइड में जो यहाँ पे हम पेंट कर लेंगे इस तरीके से। तो इसको मैं फटाफट करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो बाकी जब तक आपने अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि यार आप लोगों के लिए मतलब यार मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो यार प्लीज़ यार उसके लिए एक लाइक कर दे करो। एंड बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ आप लोगों के मतलब पसंद के कंटेंट, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस हमारी रिम लाइट जहाँ पे बन चुकी है, अब इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर लेंगे। एंड उसके बाद जो अब इसका डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि मुझे जो रिम लाइट का जो इफेक्ट है वो कम लग रहा है, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे। एंड इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लेंगे, अब यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस क्या करेंगे यहाँ पे, हम अब जो है हमें इसका मतलब कि ऐड फोटो में जाना है, पहले शेडो बनानी है क्योंकि, तो शेडो के लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड लेंगे ब्लैक कलर। एंड इसको लेने के बाद क्या करेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे, एंड यहाँ पे इसको शूज़ के पास रख देंगे इस तरीके से, इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश लेने के बाद इस साइज़ को इंक्रीज करेंगे, एंड फोटो को जूम करेंगे, एंड जहाँ जहाँ पे शेडो चाहिए वहाँ वहाँ पर पेंट करेंगे। तो एक लाइन ऐसे बनाते हैं जो मतलब कि शेडो जो बैकग्राउंड में पहले से बनी हुई है उससे हमें इसको मैच करना है।
बाकी इसकी ओपेसिटी जो हम यहाँ पे कम कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो ओपेसिटी कम रखेंगे शेडो को जो हमारे बैकग्राउंड में है उसके हिसाब से रखना है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं वैसे इफेक्ट, इसका जो हमने रिम लाइट बनाई थी इसको डुप्लीकेट बना लेंगे यहाँ पे एंड ओपेसिटी फुल कर लेंगे। एंड उसके बाद जो हम इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद जो हम नेगेटिव लेंगे ऐसे, एंड उसके बाद इसको मर्ज करेंगे, फिर नेगेटिव लेंगे, डन कर देंगे। अब देखिएगा इसको हम क्या करना है, अब जो है मतलब डिजिटल में जाएंगे, अब इसको पूरा फिल करते हैं, पहले हार्डनेस ओपेसिटी फिल कर देते हैं। सो हमने फिल कर दिया है अभी, मतलब कि ये जो है हमने फिल तो कर दिया है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा दिख नहीं रहा है हमें, क्यों, क्योंकि गाइस अभी हमने जिसका ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन किया हुआ था ना, तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड में कर लेते हैं पहले, ठीक है इसको। एंड उसके बाद यहाँ से हम जो इसका पहले ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल करते हैं, ठीक है, ब्लैक आ गया वापस गाइस हमारा। तो अब गाइस इसको हमने बनाया किस लिए मैं बता देता हूँ, आपको क्या करना है, आपको जाना है इरेजर रूम में, नोट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद साइज़ छोटा कर लेना, ओपेसिटी हार्डनेस भी कम कर लेना, फोटो को जूम करना है, पैरों के नीचे जहाँ पे शेडो बनाई थी ना वहीं वहीं पे इसको डार्क करना है, वहीं वहीं पे सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीज कर लो साइज़, वहीं वहीं पे पेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको कर लिया। बाकी गाइज अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइज वहाँ पे फॉलो कर लेना, क्योंकि गाइज जो भी मतलब कि इंस्टाग्राम पे जो है मतलब मैं एडिटिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं मैं वहीं देता हूँ। एंड अगर आप लोगों का कोई एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के सारी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि यार सबके प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ एंड मैं अधिकतर कर देता हूँ, तो आप लोग भी चाहो तो कर सकते हैं फॉलो, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बाकी हमारे यहाँ पे शेडो बन चुकी है, तो अभी क्या करेंगे हम इसको कर लेते हैं डन, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव एंड इसको लेके चलता है लाइट रूम मैप में, ताकि जो लाइट रूम मैप में ले जाकर इसको हम और भी अच्छे से मतलब कि एकदम रियलिस्टिक बना दें। तो अभी हमने इसको सेव कर लिया, लाइट रूम मैप में ऐड कर लिए फोटो हमने, अब यहाँ से हम चलते हैं लाइट में, कॉन्ट्रास्ट को पहले इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा, अब जो हाईलाइट्स हैं इसको हम थोड़ा माइनस करते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे शेडो इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है वाइट की, तो वाइट को छोड़ देते हैं, अभी ब्लैक को कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया, अब क्या करना है यहाँ पे, अब थोड़ा सा जो यहाँ पे हम चलते हैं वाइट को भी कम करते हैं, अब चलते हैं ऐसे कलर्स में, पहले वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं जबकि जो भी कलर है ना पहले वो वापस आ जाए इसमें बिल्कुल एकदम, मतलब फिर ब्लू का जो माइनस करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा, फिर मिक्स में जाते हैं, ऑरेंज कलर लेंगे, सैचुरेशन इंक्रीज़ करेंगे पहले, और सॉरी ल्यूमिनस, फिर बाकी सैचुरेशन वगैरह होगा तो माइनस कर लेंगे, फिर येलो कलर में जाएंगे एंड इसका येलो कलर जो है इसका ह्यू प्लस की तरफ रखेंगे एंड सैचुरेशन को माइनस की तरफ रखेंगे एंड ल्यूमिनस भी थोड़ा सा, फिर इसका लेंगे डार्क ब्लू, तो कैसे हमें ब्लू शर्ट का कलर हमें स्काई ब्लू देना है तो उसको हम माइनस की तरफ करेंगे, सैचुरेशन प्लस की तरफ, तो पर डन कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ी सी एंड जो विग्नेट है वो भी डालेंगे फोटो में, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे नीचे वाले टूल में जाकर शार्पनेस इंक्रीज़ कर देंगे, नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देंगे एंड जो कलर नॉइज़ रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे भी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। तो चलिए मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।